सीतापुर के सदरपुर थाना इलाके में एक इंटर कॉलेज में छात्र ने विद्यालय के अंदर जो है एक प्रधानाचार्य को गोली मारी है। पूरा क्या मामला है, हम सीधे चलते हैं आई इंडिया के संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। निशांत, ये बताइए कि इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य को छात्र ने गोली मार दी है, जिसके बाद सनसनी फैल गई है, छात्र फरार हो गया है, पूरा क्या मामला है, कैसे और क्यों गोली मारी? सर, आपको बता दें कि थाना सदरपुर क्षेत्र के जहांगीराबाद स्थित में एक आदर्श राम स्वरूप विद्यालय इंटर कॉलेज है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब कक्षा 12 के गुरविंदर सिंह छात्र जो है उसने अपने प्रिंसिपल राम सिंह वर्मा पर फायर झोंक दिया। फायर गोली मारने के बाद जो है उनकी गंभीर हालत हुई और उन्हें वहां पे जो वहां पे शिक्षक और अन्य लोग मौजूद थे उन्होंने ले आके बिश्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के दौरान उन्हें सीतापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल से जो है उनकी हालत गंभीर होते हुए उनके ब्लीडिंग काफी हो रही थी, जिसके चलते उन्हें चिकित्सकों ने जो है लखनऊ रिफर कर दिया। पूरा मामला आपको बता दें कि कल दिन शुक्रवार को दो छात्र हैं जो दोनों इंटर में पढ़ते हैं, पहला छात्र रोहित सिंह मौर्य और दूसरा छात्र गुरविंदर सिंह। ये गुरविंदर सिंह वही है जिसने अपने प्रिंसिपल को आज गोली मारी। इस गुरविंदर सिंह और रोहित सिंह मौर्य में कल जो है किसी बात को लेकर विद्यालय बंद करते समय एक विवाद हो गया था, आपस में झड़प हो गई थी, जिसके चलते दोनों लोग जो है प्रिंसिपल के पास गए थे। प्रिंसिपल ने जो है रोहित की पिटाई भी की थी बताया जाता है और उसे डांटा भी था। ये बात रोहित ने गुरविंदर की जी बिल्कुल समझ आते हैं कि जो है पिटाई की थी गुरविंदर की पिटाई होने के बाद फिर गुरविंदर के मन में एक तीस तरीके की थी कि आखिर मेरी जो है पिटाई कर दी प्रिंसिपल ने। इसके बाद जो है फिर गुरविंदर ने रोहित को रास्ते में थप्पड़ भी मारा था बताते हैं, तो वहीं पे दोनों अब ये बात जो है वो दोनों के अभिभावकों के बीच भी पहुंच गई। दोनों के अभिभावकों के बीच पहुंचने के बाद दोनों के अभिभावकों ने समझाया भी फिर भी ये लेकिन गुरविंदर के मन में एक टीस थी। आज जब सुबह गुरविंदर विद्यालय आया पढ़ने के लिए तो वो अपने बस्ते में ही एक नाजायज असला लेकर आया था और प्रिंसिपल राम सिंह वर्मा के कक्ष में गया, उनके पैर छूने के बहाने उन पर फायर झोंक दी। जब तक राम सिंह वर्मा को समझते भागते तब तक गुरविंदर ने एक और फायर झोंक दी जो जाके उनके ठीक सिर के पीछे लगी और ब्लीडिंग होने लगी। वहीं गोली जो है उनके पहले जो गोली लगी थी वो छूकर निकली थी, दूसरी गोली उनके पेट में लग गई और फिर सिर पर लग गई। छात्र उनको पूरी तरीके से मारने की नीयत से आया था। जब छात्र ने देखा कि गोली चलने के बाद हड़कंप पूरा बच गया तो वहां से जो आरोपी छात्र है गोली चलाने वाला गुरविंदर सिंह यह मौके से वहां पर फरार हो गया। बिल्कुल, तो इस तरीके से घटना हुई। ये सदरपुर थाना इलाका है सीतापुर का, जहां पर जहांगीराबाद कस्बा पड़ता है, वहां पर आदर्श राम स्वरूप इंटर कॉलेज है, जहां के जो प्रधानाचार्य हैं राम सिंह वर्मा उनको गोली मारी है छात्र गुरविंदर सिंह ने। दरअसल एक दिन पहले जो छात्र है गुरविंदर सिंह और रोहित मौर्य, ये रिवान गांव है रेउसा थाना इलाके का, वहां के रहने वाले दोनों छात्र थे। दोनों के बीच विवाद होता है, गुरविंदर सिंह रोहित वर्मा मौर्य की पिटाई कर देता है और इसके बाद मामला जो है प्रधानाचार्य के पास पहुंचता है। प्रधानाचार्य गुरविंदर को समझाते हुए एक थप्पड़ जड़ देते हैं और वो थप्पड़ इतनी तीस बन जाता है गुरविंदर के अंदर कि वो जो है अपने ही प्रधानाचार्य की जान लेने पर तुल जाता है। हालांकि इस मामले को लेकर दोनों के अभिभावकों ने समझौता भी किया और इसके बावजूद गुरविंदर के अंदर एक आग सुलगती रही और जैसे ही आज सुबह स्कूल खुलता है 7 बजे, गुरविंदर पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से अपने बस्ते में 315 बोर का नाजायज असलाह लेकर जाता है और एक नहीं 7 राउंड फायर करता है। अंदाजा लगा सकते हैं, सवाल ये उठता है जिस बस्ते में कॉपी और किताबें होनी चाहिए, कलम होना चाहिए, उस बस्ते में असलाह लेकर छात्र पहुंचता है और उसके बाद अपने ही प्रधानाचार्य को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद अफरा तफरी मच जाती है और एक विद्यालय में छात्र के प्रधानाचार्य को गोली मारने की घटना से समूचे जनपद में हड़कंप मच जाता है। सारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, विवाद क्या हुआ। तो विवाद जो छन करके आया, दो छात्रों के बीच विवाद होता है, उस विवाद
को लेकर जिस छात्र गुरविंदर की गलती होती है उसको समझाते दौरान प्रधानाचार्य एक थप्पड़ जड़ देते हैं और उस थप्पड़ की टीस उस छात्र के अंदर इतनी घर कर जाती है कि वो प्रधानाचार्य की ही जान लेने पर तुल जाता है। तो प्रधानाचार्य को गोली मारने के बाद उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछवा लाया जाता है, जहाँ से उन्हें सीतापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है और वहाँ से फिर उन्हें लखनऊ के लिए भेज दिया गया है। हालांकि जो प्रधानाचार्य हैं उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक अब जो हम सुनाते हैं, जो प्रधानाचार्य हैं जिन्हें गोली लगी है उनके भाई का क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। ये मामला ये है कि कल बच्चे दो स्कूल आए थे तो आपस में लड़ाई किया, लड़ाई करने के बाद प्रिंसिपल के पास शिकायत पहुंचे, प्रिंसिपल ने जो बच्चा गोली मारा उसके दो तीन झापड़ मार दिया, फिर वो चले गए। फिर इसके बाद सुबह जब आज आए हैं तो प्रिंसिपल साहब स्कूल में थे और ये बच्चा आया साइकिल खड़े किए से और कमरे के अंदर गया, कमरे के अंदर जाने के बाद इसने फायरिंग चालू कर दी। कौन बच्चा था, कितने साल का था और किस का? हरविंदर 20 साल का था, कक्षा 12 में पढ़ता। कक्षा 12 में जी। तो क्या विवाद हुआ था जिस कारण उसने गोली मारी? यानी बच्चे आपस में झगड़ा किया था तो ये प्रापर का देवान का एक लड़का था और ये झाला पर रहता सरदार है, इस दोनों ने झगड़ा किया था आपस में। ये शिकायत जब प्रिंसिपल साहब के पास पहुंची तो उन्होंने इस बच्चे को दो तीन झापड़ मार दिया, बस इसी में सुबह आकर के गोली कांड चालू कर दिया। तो कितने राउंड में आपने फायरिंग हुई? 5-6 राउंड किया है फायरिंग जी। कहाँ था वो बच्चा रहने वाला था? वो देवान का झाले पर का सरदार है ना, हरविंदर। पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, बिस्वा आई थी हाँ थाने उमा अस्पताल में। बच्चों के पुलिस को सूचना दी गई थी इस बारे में? हाँ जी, बाद में सूचना गई है तो वो वहाँ मौके पर गए। तो उसके बाद क्या कार्रवाई की गई उस लड़के के खिलाफ? अब लोग हम लोग यहाँ पर हैं, वहाँ क्या कार्रवाई है ये तो हमको पता नहीं, जानकारी नहीं कुछ। तो कैसी हालत है अभी? अब हालत का यहाँ से भी रेफर कर रहे हैं, अब लखनऊ लिए जा रहे हैं हम लोग। लखनऊ के लिए रेफर जी। ये तो अभी ठीक है यहाँ पे? ठीक कहाँ है, इसलिए तो जवाब दिया, ठीक होते तो क्यों रेफर कर। हमारा नाम देशराज, हम छोटे भाई हैं उनके। कहाँ के रहने वाले? जहांगीराबाद दानपुरवा। आपने सुना प्रधानाचार्य के भाई ने जो घटना की जानकारी दी, जिला अस्पताल पहुँचे थे अपने भाई का इलाज कराने के लिए, वहीं पर उन्होंने आई इंडिया को ये जानकारी दी। इसके बाद आई इंडिया ने अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह से भी जानकारी ली कि क्या मामला था पूरा और इस मामले में क्या छात्र की गिरफ्तारी हुई है। तो आइए सीधे हम चलते हैं, एनपी सिंह क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं उनको सुन लेते हैं। एक जहांगीराबाद कस्बे में एक विद्यालय है जहां पे राम सिंह वर्मा एक व्यक्ति हैं जो वहां के प्रिंसिपल हैं। वो विद्यालय माध्यमिक शिक्षा का है जो 12वीं तक चलता है। आज प्रातः लगभग 7 बजे जानकारी हुई कि उनको एक उन्हीं का छात्र जो वहीं पढ़ता है उसने उनको गोली मार दिया है। मौके पे हमारी पुलिस पहुंची, हम लोगों ने वहां पे जानकारी की। जानकारी ये हुई कि कल विद्यालय बंद होते समय दो विद्यार्थी लड़ गए थे प्रैक्टिकल के चार्ट को लेकर के। उसमें एक रोहित सिंह मौर्य था और एक गुरविंदर सिंह था, गुरविंदर सरदार है जो। दोनों बच्चे एक ही रेवान गाँव थाना रेवसा के रहने वाले हैं और एक ही क्लास में वो लोग पढ़ते हैं। उसी बात को लेकर में झगड़ा हुआ और गुरविंदर ने रोहित की पिटाई कर दी। इसी बात की शिकायत रोहित ने अपने प्रिंसिपल राम सिंह वर्मा से किया और राम सिंह वर्मा ने बुला करके गुरविंदर को डांटा फटकारा। यह बात उसको बुरी लग गई और कल भी जा करके वो एक थप्पड़ उसको रास्ते में मारा था। यह बात उनके गार्जियंस तक पहुँची थी, गार्जियंस ने आपस में बातचीत को सुलह से समाप्त करा दिया था। उसी बात को लेकर के वो रुष्ट था और आज सुबह जैसे विद्यालय खुला लगभग 7 बजे वो एक तमंचा लेकर के साइकिल से आया और प्रिंसिपल साहब बैठे थे, उनसे नमस्ते करने के बहाने उनके पास पहुंचा वो और उन्हें उसने गोली मार दिया। ये अच्छी बात थी कि गोली उनके पेट में नहीं लगी बल्कि वो पीछे से उनके पीठ पे लगते हुए हिप से बाहर निकल गई है। वो मामूली रूप से घायल हुए हैं लेकिन फिर भी चूँकि ब्लीडिंग बहुत हो रही थी उनको हम लोग तत्काल अस्पताल भिजवाए हैं और वहाँ से उनको हम लोग KGM लखनऊ भिजवा दिए हैं जहाँ उनकी हालत खतरे से भी बाहर है। हमारी टीमें मौके पर गई हैं, थाने पर मुकदमा लिखा जा रहा है और उस बच्चे की अरेस्टिंग के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस के मुताबिक जो विवाद हुआ और विवाद के बाद छात्र ने प्रधानाचार्य को गोली मारी, गोली मारने के बाद वो छात्र फरार हो गया है और जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लग गई है, जुट गई है। हालांकि अभी तक छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
हालांकि जो अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी हैं एनपी सिंह, उनके मुताबिक जो प्रधानाचार्य हैं बीच में गोली लगने के कारण फिलहाल उनकी हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं बताई जा रही है और इसीलिए उन्हें अच्छे उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तो ये निशांत बताइए कि इस तरीके की शिक्षा के मंदिर में अगर घटना होती है तो कहाँ जा रहा है हमारा समाज, जो प्रधानाचार्य एक छात्र को जो है शिक्षा देते हैं और वही छात्र प्रधानाचार्य को गोली मार देता है, तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो युवा अवस्था है, युवा ऐसे लोग हैं जो भटक चुके हैं कहीं ना कहीं अपराध की ओर, ये चिंतनीय विषय है। जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं, क्योंकि आज जहाँ हम लोग गुरु को पूछते हैं, गुरु का एक दिन होता है, गुरु ही हमें सही राह दिखाता है और गुरु ही हमें सही मार्ग पर चलना बताता है। माँ बाप के बाद जो दर्जा होता है वो गुरु का होता है और गुरु का दर्जा भी सबसे बड़ा माना जाता है। आज जो ये छात्र ने अपने गुरु के साथ ऐसी घटना की है, जिन्हें जिनको मारने की नियत से उसने फायर झोंका और उसने गोली मारी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा युवा वर्ग कहाँ जा रहा है। आखिरकार युवा पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि भटक गया है। अगर वो पढ़ाई, मतलब आपने एक बात सही कही कि जिस बस्ते में किताबें होनी चाहिए, कलम होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, उसमें वो नाजायज असलाह लेकर के जो है वो अपने गुरु को मारने आया था। अब सबसे बड़ा सवाल तो पूरे समाज पर है कि अपने बच्चों को सबसे पहले देखें कि आखिरकार उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, वो विद्यालय अगर पढ़ने जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। उसके जिस तरह से पहले माँ बाप हमेशा जो है अपने बच्चों के बस्ते चेक करते थे, टाइम टेबल आता था कि ऐसी किताबें आज भेजनी है, ऐसी किताबें कल भेजनी है, उसी के अनुसार बच्चा छोटा हो या बड़ा ये सवाल नहीं रहता। अभिभावक को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जब तक अभिभावक अपने बच्चों पर एक लगाम नहीं कसेगा, अपने बच्चों पर निगरानी नहीं रखेगा, तब तक युवा भटकता रहेगा। क्योंकि युवा जो है आज पूरी तरीके से ये कहेंगे कि वो अपने माता पिता पर ही हावी हो गया है, क्योंकि जब भी माता पिता अगर उसे कोई बात बताते हैं तो युवा यही कहता है कि अरे आपको नहीं पता, आप नहीं जानते। माँ बाप भी इसी बात को रोके चुप हो जाते हैं, शांत होते हैं कि शायद हमारा बच्चा जो है वो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये आधुनिकता सही है, कहीं ना कहीं ये आधुनिकता भी बहुत खराब है। वो बच्चे युवा अब अपने संस्कार भूल गए, अपनी मर्यादा भूल गए, किससे किस तरह की बातें करनी वो सभी चीजें भूलते ही जा रहे हैं। पता नहीं भाई ये युवा पीढ़ी जो हमारी है वो कहाँ किस दिशा की ओर जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने कहा कि देखिए गुरु का जो दर्जा है वो माँ बाप से भी ऊपर बताया गया है। गुरु गोविंद दो करे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो सिखाए, तो उनका दर्जा वाकई ऊपर है। ये सोचनी विषय उन अभिभावकों के लिए है कि उनके बच्चे किधर भटक रहे हैं, वो शिक्षा जगत के लिए है कि जो शिक्षा दी जा रही है। आज कहीं न कहीं युवा भटका हुआ दिखाई दे रहा है, और अपने आप में ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि एक शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से छात्र अगर अपने ही प्रधानाचार्य को गोली मार देता है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है, बड़ा सोचनीय विषय है। आने वाले समय में इसको लेकर निश्चित तौर पर सोचना होगा उन जिम्मेदारों को, जो अपने ही जिनका भविष्य बनाने का जो काम करते हैं, वो आखिर किस तरीके से भटकाव की दिशा में भटक चुके हैं। फिलहाल अब पुलिस जी, जी, एक बार और करना चाहूंगा। हाँ जी, ये जिस जो बच्चों के ऊपर जो अभिभावकों के जोर है, अब आपको एक बात बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले घटना हुई थी कि जहाँ पे स्कूल में शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद से उस छात्र ने जो है अपने कई साथियों के साथ शिक्षकों की भी पिटाई कर दी थी सुबह। तो यहीं पे ये है कि शिक्षक भी अब डरता है कि कहीं हम अपने छात्रों की किस तरह से समझाएं। अगर छात्र को पीटता है तो उसके अभिभावक विद्यालय आ जाते हैं कि हमारे इस स्कूल जैसे बेटे को आपने कैसे मारा। तो ये अक्सर अभिभावकों को भी सोचना चाहिए, अगर अभिभावक पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार हो जाएंगे, अपने बच्चों पर नहीं ध्यान देंगे, और जब स्कूल की कोई शिक्षक या विद्यालय के प्रबंधक कुछ ध्यान देते हैं, तो अभिभावक अनायास बिल्कुल अपने बेटे अपने बच्चों की जो है गलती को छुपा करके वो डायरेक्ट विद्यालय पहुंच जाते हैं और झगड़ने लगते हैं अपने स्कूलों में जाकर। बिल्कुल बिल्कुल यही है, अब सबको सोचना होगा, अभिभावकों पर भी जिम्मेदारी है, छात्रों को भी सोचना चाहिए, और प्लस जो आपके प्रधानाचार्य हैं उनके लिए भी ये सोचनीय विषय हो गया है। फिलहाल अब ये देखना है कि जो आज प्रधानाचार्य को छात्र ने गोली मारी है, वो छात्र को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है, और सभी लोग प्रधानाचार्य की दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है।
और उनकी हालत फिलहाल पुलिस के मुताबिक चिंताजनक नहीं है। बेहतर उपचार के लिए उन्हें लखनऊ भेजा गया हुआ है। अब वहां जल्दी स्वस्थ होकर वो आए और उसके बाद जो है फिर इस पे निश्चित तौर पर एक सोचनी विषय हो जाएगा समाज के लिए, और समाज को आगे आना भी चाहिए, सोचना चाहिए कि अब ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी निशांत, आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।